माता वैष्णो देवी के धाम में सिगरेट व तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। तीर्थस्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की पवित्रता बनाए रखने के लिए मांस और मदिरा के बाद अब सिगरेट और तंबाकू की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 1 अगस्त से कटरा व यात्रा मार्ग पर सिगरेट और तंबाकू बेचना गैर कानूनी होगा। कटरा की पवित्रता बनाए रखने को लेकर प्रशासन 1 अगस्त से सिगरेट तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। कटरा में रियासी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने कहा कि माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा एक पवित्र स्थान है। कटरा की पवित्रता बनी रहे इसको लेकर प्रशासन 1 अगस्त से सिगरेट तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कस्बे में जिन विक्रेताओं के पास इसका स्टॉक मौजूद है वे अगस्त से पहले इसे खत्म कर दे। उन्होंने कहा इसके बाद आधार शिविर कटरा में सिगरेट व तंबाकू की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि अवैध रूप से इसे बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।